हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रुपिंदर और आप हैं मेरे साथ स्वादिष्ट रसोई पर। और आज हम बनाएंगे शाही पनीर की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं शाही पनीर की शाही रेसिपी। या तो हम बनाते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पर, या फिर हम ऑर्डर करते हैं जब हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। लेकिन आज हम अपने घर पर ही बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी शाही पनीर। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो बड़े प्याज, दो टमाटर, तीन हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। यहाँ पे ले रही हूँ मैं 400 ग्राम पनीर, दो प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस लिया, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें। और यहाँ पे लिया मैंने एक कटोरी दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और आधा कप लेंगे हम दूध। और अब यहाँ पे ले लेते हैं हम साबुत मसाले जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिए मैंने दो तेज़पत्ते, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची ग्रीन वाली, दो टुकड़े दालचीनी के, तीन चार लौंग और थोड़ा सा ले लेंगे हम ज़ीरा। यहाँ पे ले रही हूँ मैं काजू का पेस्ट। इसके लिए मैंने लिए थे 15 से 18 पीसेस काजू के और उन्हें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसका पेस्ट बनाया। अब हम एक कड़छी ऑयल में मसाले को भून लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट और इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना ही भूनना है कि हल्का सा पिंक हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए टोटली। अब हम इसमें मिला लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे लगातार हिलाते हुए ताकि ये बॉटम के साथ ना चिपके। हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अब पिसे हुए टमाटर। टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है ना वो अपने बहुत ही स्मूथ बनाना है, उसमें बिल्कुल भी मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए। तो आप मिक्सी में अच्छी तरह से इसे चला लेना और अगर फिर भी बचते हैं तो फिर आप इसे स्ट्रेन कर लेना एक स्ट्रेनर में। यहाँ पर ले लेते हैं हम सूखे मसाले, पिसे हुए मसाले जो हमने इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च। और यहाँ पे ली मैंने कसूरी मेथी जिसे मैंने भून लिया और इसे हम क्रश करके डालेंगे बाद में। मसाला हमारा भून चुका है और अब हम ऐड कर देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अच्छे से हिला लेंगे इसे, थोड़ी देर भून लेते हैं। और अब इसमें ऐड कर देते हैं हम मसाले सारे, अच्छे से इसे भूनेंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे। अब मैं यहाँ पे मिला देती हूँ काजू का पेस्ट और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि काजू पक जाए और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। इसे हम 1-2 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर मिला देती हूँ फेंटी हुई दही। दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल फ्रेश दही लेना। और अब इसे लगातार हिलाते हुए हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। लगातार हिलाते रहना आप, अदरवाइज दही फट जाता है कई बार और फिर ग्रेवी हमारी ख़राब हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, लगातार चलाते रहें।
अब मैं यहाँ पर मिला देती हूँ आधा कप दूध, और इसे भी हम लगातार हिलाते हुए पकाएंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते रहें। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम एक चम्मच चीनी, क्योंकि शाही पनीर थोड़ा सा मीठा होता है तो इसमें हम एक चम्मच चीनी मिलाएंगे और लगातार हिलाएंगे इसे। चीनी की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हनी यूज़ करना है तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करना, क्योंकि हनी को हम इतने हाई फ्लेम पर नहीं पका सकते। तो अब हम ऐड करेंगे कटे हुए पनीर, छोटे क्यूब्स में काट लेना आप। अच्छी तरह मिला देते हैं इन्हें ताकि ग्रेवी हमारे पनीर पर अच्छी तरह से लग जाए, एक सार हो जाए दोनों अच्छी तरह से। बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ मलाई जैसी। और अब इसको हम ढककर 4 से 5 मिनट पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। एंड इट्स डन। और अब हम इसमें मिलाएंगे एक और शाही चीज़, और वो है फ्रेश मलाई। तो आप इसमें आधी कटोरी फ्रेश मलाई मिलाएं। अब इसमें इतनी सारी शाही चीज़ें पड़ती हैं तब भी तो इसका नाम शाही पनीर है तो इसकी मलाई की जगह पर आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है ना अमूल वगैरह की, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब मलाई मिलाकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और कुछ देर ही पकाएंगे इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई मेथी हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके, और यहाँ पर गैस कर देंगे हम अपनी बंद, और अब इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। भुनी हुई मेथी की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे हमेशा ऐसे ही डाला करें। शाही पनीर रेडी हो गया है, और अब हम इसे सजाते हैं कटे हुए धनिए के साथ। अब मैं शाही पनीर सर्व कर लेती हूँ, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।